जेएक्स न्यूज़ छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हसदेव नदी के तट पर विराजी माँ शीतला भक्तों का बना आस्था का केंद्र। नवरात्रि को लेकर तैयारियां चरम पर। नगर चापा के वार्ड नंबर 1 नया चापा में हनुमान धारा के पास हसदेव नदी के तट निकट पर विराजित माता शीतला भक्तों के आस्था और विश्वास का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जहां पहुंचने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए जन जन के बीच विश्वास जगा रही है। वहीं मनोकामना हरियाली के साथ खूबसूरत नदी के वादियों किनारों पर एक ही मंदिर में विराजमान माता शीतला के साथ साथ माता परमेश्वरी, माता कामाख्या एवं अनेक देवी देवता विराजमान है और अपने भक्तों का मनोकामना पूर्ण करती है। वहीं वार्डवासियों का मानना है कि आस्था है, जो व्यक्ति माता के दरबार में सच्चे मन से आस्था के साथ मन्नत रखता है, निश्चित ही माता मन्नत को पूर्ण करती है। इसी आस्था को विश्वास के साथ इस वर्ष के शारदीय नवरात्रि में मनोकामना ज्योतिष कलश स्थापना को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है, जहां भक्तों के द्वारा मनोकामना पूर्ण होने पर मां के दरबार में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित कराया जाता है। हर वर्ष की नवरात्रि की तरह इस वर्ष भी यहां मां शीतला के भक्तों का त्यौहार में भारी भीड़ देखने को मिली है, जिसमें माताएं, बहनें, बड़े बूढ़े, बच्चे सभी मां के दरबार में दर्शन कर पूर्ण लाभ प्राप्त करने सुबह से शाम तक लगातार आना जाना बना रहता है, जिस मां के दरबार में देखते ही माहौल बनता है। चांपा से राजू साहू की खास रिपोर्ट। हमारे जो शीतला मंदिर है यहाँ पर उपस्थित है, वो पिछले 25 साल 30 साल के लगभग से हम लोग यहाँ से तैयारी करते आ रहे हैं कि छोटे से पहले मंदिर थे यहाँ, सबसे छोटे से, फिर धीरे 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 एक मंदिर से दो मंदिर से तीन मंदिर, ऐसे करते करते यहाँ पूरा 36 प्रकार के पुराना आसपास पूरा मंदिर कर चुके हैं हम लोग, और धीरे धीरे पूरा मोहल्लावासी लोग भी हम लोग का साथ दिए। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर जोत जलाने का प्रारंभ किए, फिर ये माता के स्थापित किए। पिछले में शीतला माता है और उसके पीछे माता परमेश्वरी है, तो उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे श्रद्धालु जो नो का आवागमन होता गया, फिर उसके बाद जोत जलाते हैं यहाँ पर, तो धीरे 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 बढ़ते गए वो जोत, और हर साल एक साल में दो नवरात्रि होता है, दो नवरात्रि में हम लोग जोत जलाते हैं और हर भक्त जनों आते हैं यहाँ दर्शन करने। ये कितने भक्त लोग आते होंगे? ये पूरा गाँव से आते हैं और आसपास के जितने भी गाँव हैं जो जानते हैं यहाँ पर कि सीता माता का मंदिर उपस्थित है बोल के, वो सब आते हैं यहाँ पर और सब यहाँ पर दर्शन करके हर साल जाते हैं, और बहुत लोग जिसका जिसका मनोकामना पूर्ण होता है वो हर साल कंटिन्यू यहाँ पर जोत जलाते हैं। नवरात्रि को लेकर हम लोग कोई जोत जलाते हैं उसका पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरे आसपास को पूरा जितना भी किनारे है वो साफ सफाई करवा रहे हैं, और कल से चालू हो जाएगा नवरात्रि का जोत जलना प्रारंभ होगा। क्या नाम है? मेरा राम, राम कुमार देवांगन। मेरे जानकारी के हिसाब से जब से मैं होश संभाला हूँ, नदी के किनारे, हसदेव नदी के किनारे तट पर हनुमान धारा के पास ये मंदिर, शीतला माता का मंदिर बना हुआ है, और ये ऐसे आस्था का केंद्र है कि यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। इस तरह से शीतला मंदिर के बगल में हमारे माता परमेश्वरी देवांगन समाज की ओर से, जब देवांगन समाज 99 गांव का होता था, हमारी बैठक होती थी, उस समय से बना हुआ है, और ये ऐसे आस्था का केंद्र है माता परमेश्वरी। ये हमारी कुल देवी है जिसे लोग हर देवांगन भाई मानते हैं और हर देवांगन भाई यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। खासकर परमेश्वरी महोत्सव में ये बहुत रौनक का विषय बना होता है और भरी भीड़ होती है। इस तरह से हम सब देवांगन भाई के लिए ये आस्था का केंद्र है। जी, अभी क्या तैयारी चल रही है? अभी हमारे यहाँ शीतला माता के मंदिर में नवरात्रि का बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रहा है, और कल से यहाँ पूजा पाठ का भव्य आयोजन होगा। माता के लिए जोत जलेगा, कई भक्त यहाँ जोत जला रहे हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण हो, और मनोकामना के लिए ही जोत जलाए जाते हैं। इस तरह से हमारा माता शीतला माता हर भक्त का मनोकामना पूर्ण करती है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष देवांगन। ये हसदेव नदी के किनारे में शीतला माता का मंदिर है। ये कम से कम 20 से 25 साल हो गया होगा इस मंदिर को। सब अपने जो भी दुख दर्द रहता है उसको लेके आते हैं माता के पास, और उनसे विनती करने से बहुत जने का तकलीफ ठीक हो जाता है, सभी जने का प्राय। मैं भी पार्षद बनने से पहले मैं भी आई थी यहाँ पास, और अक्सर आती ही रहती हूँ। जो भी दुख रहता है माता को बोलती हूँ तो मेरा वो हो जाता है समाधान उसका। और बहुत जने यहाँ पास आते हैं, पूजा पाठ भी होता है यहाँ पास, बहुत सारा भगवान का भी स्थापना है, माता परमेश्वरी का भी स्थापना है यहाँ पास, और
महामाया का है, काली माता का है, सभी यहाँ पर पूरा सब नौ देवी का है यहाँ विराजमान है। और यहाँ पर आने से लगता है कि सच में हम लोग माता रानी के चरणों में हैं, जैसे महसूस होता है। और कल से नवरात्रि शुरू हो रहा है, तो दोनों नवरात्रि में यहाँ पर भव्य पूजा भी होता है और ज्योति ज्योति कलश भी जलता है। और जितना जनते लोग हैं, वार्डवासी लोग हैं, सभी जने जो भी है माता के पास आए, उनका जो भी तकलीफ है उनसे आके बोले यहाँ पर, और अपना दर्द दुख जो भी है वो ठीक हो जाएगा। जी, क्या नाम है आपका? अंजलि देवांगन, पार्षद, वार्ड नंबर 1। तो जला के तैयारी हो थे कमख्या दई के, हमन बहुत दिन हो गए पूजा का पाठ करत, हमन के आसाम का रहन वहाँ जोहार के मन लानेन, अगर पूजा करे हमन के हर मनोकामना पूर्ति होते। अब बहुत दूर दूर से आते और धीरे धीरे करके अब कर हम तैयारी करते जाथन, हर मनोकामना और पूर्ति होती कमख्या दई की। मोला पूजा करा तो 20 साल करीब हो गए, 20 साल से पूजा करा था, अभी तक पूजा करा था। हर शनिचर मंगल के बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है, करा हर मनोकामना बीमारी से लेकर के हर मनोकामना पूर्ति होती है। जो तमन्ना दे जिसे ककड़ो स्त्री पुरुष की नहीं बना, बाप बेटा की नहीं बना, सब मनोकामना पूर्ति करे बा कमख्या देगी के पूजा पाठ करे ले और लाल जोड़ा चढ़ा ले, हर मनोकामना पूर्ति होते। मोन नाम रामचंद्र देवांगन, वैद्य राजा मैं।